बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। झपकी देने में जो जल्दी हुई मैं देता नहीं, मेरी निकल जाती है। ये तो अब अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं। 9 साल पहले तो मेरे को जितना करंट था ना 9 साल पहले, अगर आप आती तो आपको और रूप देखने को मिलता मेरा। एनीवेज नहीं ऐश्वर्या, मैं इनको अब सागर को गागर में डाल के दिखाता हूँ। आई नो आप डालेंगे आज सागर को गागर में। आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हूरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया होगा। मैं दावा करता हूं आज इस महफिल में मलगाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा ना कभी आया होगा। क्यों करके सही जा रहे हैं आप? सबसे पहले तो ऐश्वर्या हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमारा अभी नया नया शो शुरू हुआ है और आपके दर्शन हो गए, नहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाजी ऐश्वर्या। आपने स्वागत किया, you all have invited me to the show, the pleasure is mine, thank you so much. Pleasure is all our. अच्छा कैसी पारी दुविधा ना, हम ऐश्वर्या को ये भी नहीं पूछ सकते कि आपके लिए चाय मंगाऊं क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की चाय कहाँ पीती होंगी। सीरियसली कुछ चीजें होती जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करती, जैसे आपकी प्लेट में भरता नो तो आपकी थाली में कभी बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगेगा, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, टेढ़ा मेढ़ा करेला और भरते मटर डाले हुए, दैट डजंट सूट टू ऐश्वर्या। पर आप अगर चाहें तो आपके लिए काजू बादाम हम लोग अरेंज करा सकते हैं, इस बार सोनी बहुत खर्चा कर रहा है। You're back in how, Kapil? Full form. Full form. आप सबको पता है ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है सरबजीत, आप सब ने ट्रेलर तो देखा होगा। इस फिल्म में ऐश्वर्या की जर्नी दिखाई गई है, पहले यंग बताई गई है, उसके बाद ये 50-55 साल की महिला का किरदार भी निभाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इनको देखा ट्रेलर में, मैंने देखा यार ये 50-55 साल का जब किरदार निभा रही हैं तब भी उतनी खूबसूरत लग रही हैं। अभिषेक भाई तो बड़ा खुश होंगे देख के कि मेरा फ्यूचर आगे चल के भी सुंदर ही है। उनका क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने आपका ये ट्रेलर देखा था? वी हैड वर्क टुगेदर इन गुरु, उसमें भी तो हमारी एजिंग की तो जर्नी थी साथ में, तो तकरीबन लगता है तभी उन्होंने पहचाना कि व्हाट द जर्नी अहेड विल बी एंड ही प्रपोज्ड टू मी आफ्टर दैट, सो आई गेस बंदा समझदार है। उन्होंने पहले देख लिया कि नहीं भाई ये तो इस उम्र में भी जाके उतनी ही खूबसूरत लगेंगे और ज्यादा लगेंगे, कमाल है। अच्छा जब ये आप पहले से सरबजीत की स्टोरी को फॉलो कर रही थी या आपने बाद में इस केस के बारे में पढ़ा या आप जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तब आपको पता चला? इट्स वेरी वेरी टचिंग टू नो दिस स्टोरी एंड वी फेल्ट इट शुड बी टोल्ड, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी दैट वी फील द ऑडियंस नीड्स टू नो एंड रियलाइज। ऐश्वर्या से हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, ऐश्वर्या आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए जी। भाई साहब किसका मैसेज आया? आज जरूरी है कोई पहला आदमी मैंने देखा सामने ऐश्वर्या बैठी है तो मोबाइल लगे हुए। अच्छा पाजी आप ऐश्वर्या को गौर से देखो, वैसे तो आप देख ही रहे हैं जब से आई हैं। यार बिल मेरे पे फड़ जा रहा है यार। पर वैसे एक सेकंड के लिए देखो, ऐसा लगता धूप में 2 मिनट बैठे तो पिघल जाएंगे ये। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, पंजाब में इतनी गर्मी पड़ती है इन दिनों, इन्होंने इतनी गर्मी में वहां पे शूट किया, मैंने खुद देखी अपनी मौसियां चाचियां पिघलती हुई। अब औरतें ना सुबह मुंह पे पाउडर लगा के जाती ना तो पसीना जब आता ना तो पसीने की निशान यहाँ पे बह जाते हैं मुंह पे। सीरियसली सब औरतों के मुंह ज़ेब्रा जैसे लगने लगते हैं बाजी। आपने कैसे इतनी गर्मी में मैनेज किया आपने? वो उमंग जी ने प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। अच्छा हुआ आप सर्दी में गई ना, तो गर्मी में जाती ना आपको अलग ही विजुअल देखने को मिलता, गर्मी में लाइट जाती ना बाजी जब, तो जितने बेचारे रात को बनियान पहन के बाहर आती इतना कच्चा लाइट कदम आएगी। फिर अपनी बनियान उठा के ना बड़ा सा पेट जो कुलचे खा के निकला है उस पर हाथ मार मार के एक तो बिजली बोर्ड को कोस रहे होते हैं, बीच में नाभि में उंगली घुमाए पता नहीं यार कब आनी लाइट। तो ये एनीवे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.